हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑल एग्रो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। आज की इस वीडियो में फंसा हुआ ट्रैक्टर किस तरह निकाला जाता है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हमने दोस्तों इसी तरह की रस्सी और 100 mm का दो टुकड़ा रॉड ले के इसको इसी तरह बना चुके हैं दोस्तों। उसके साथ साथ 1.5 से 2 फीट का दो रॉड ले आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर जो पूरी तरह से फंस चुका है और निकाल नहीं रहा है। 6 mm का रॉड को लेके जो हमने जुगाड़ बनाया था, उसी जुगाड़ में इस रॉड को इस तरह से घुसा देनी है दोस्तों। उसके बाद रस्सी की सहायता से उसको जोर से पूरी तरह से बांध देनी है। रस्सी की बंधाई चल रही है दोस्तों। जब तक रस्सी की बंधाई ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक फंसा हुआ ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ रोटावेटर को निकाल देनी है दोस्तों, ताकि जो ट्रैक्टर फंसा है वो आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रस्सी की बंधाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अभी चलते हैं ट्रैक्टर के साइड में, देखते हैं कैसे निकलता है ट्रैक्टर। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर की खिंचाई शुरू हो चुकी है। आगे देखते जाइए दोस्तों वीडियो, किस तरह ट्रैक्टर निकलता है। वीडियो का साथ बने रहें दोस्तों, और मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा अगले साइड में जो ट्रैक्टर है उसमें किस तरह की रोचन फिट किया गया है इस ट्रैक्टर को निकालने में। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। ट्रैक्टर बहुत ही फंस चुका है दोस्तों उस साइड में, इस तरफ से देख सकते हैं। इस तरफ में इतना ज़्यादा नहीं फंसा है, देखते हैं शायद जल्दी से निकल जाए। ट्रैक्टर नहीं निकला दोस्तों, और आप देख सकते हैं किस तरह पूरी तरह से धस चुका है, लेकिन शायद निकल जाए। देखते रहिएगा वीडियो को। ये देखिए दोस्तों किस तरह से धसा हुआ है, पूरी तरह से चेचिस मिट्टी के अंदर धस चुका है। लास्ट में दोस्तों बहुत मुशक्कत के बाद ट्रैक्टर निकल चुका है, और ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। अब आइए दोस्तों, दिखाते हैं किस तरह से दूसरी ट्रैक्टर में टोचन का फिट किया गया है। ये तो पहला ट्रैक्टर है, ये देखिए दूसरी ट्रैक्टर। ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से फिट किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब निकालते हैं रोटावेटर को। पहले दोस्तों रॉड को इस तरह से यहाँ पर फिट कर देनी है, उसके बाद टोचन के साथ बांध देनी है और आराम से घिसते रहना है धीरे धीरे। तो दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा आगे निकल चुका है ट्रैक्टर फंसा हुआ जगह से। अब किसी भी ट्रैक्टर के सहायता से रोटावेटर को फिट करके निकाल सकते हैं।